श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई हूँ देहरादून के बुद्ध टेंपल, बुद्ध मॉनेस्ट्री या बुद्ध गार्डन, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारी मॉनेस्ट्री है और बहुत ही प्यारे प्यारे स्टैचूज हैं यहाँ पर। मंदिर के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है तो वो तो दिखा नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पहुँचना कैसे है। तो ये ISBT से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ से हर 5-10 मिनट में आपको विक्रम मिल जाते हैं, या फिर आप ऑटो करके भी आ सकते हैं, रिक्शा करके भी आ सकते हैं। बट अगर आपको सस्ते में आना है तो शेयरिंग ऑटो जो विक्रम चलते हैं उसमें आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित ये बुद्धा गार्डन या बुद्धा टेम्पल काफ़ी प्रसिद्ध है देश विदेश के पर्यटकों के बीच। इस गार्डन को मिंड्रोलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1965 में शुरू हुआ था और यहाँ पर भगवान बुद्ध के गुरु पद्म श्री की भी प्रतिमाएं हैं जो काफ़ी सुंदर और विशाल है। चलिए पहले हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे मैंने बताया कैमरा अलाउ नहीं है तो वहाँ के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगी, बट मैं तो करूँगी। तो मैं दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तीन मंजिला बुद्धा टेंपल को देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। सुबह से ही शुरू हो जाती है भीड़, लेकिन शाम को यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पर जगह जगह पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं परिसर में, ताकि आप बैठकर आराम से इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकें। ये देखिए क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री है ये, बहुत ही प्यारी है। और ये स्टैचू पर कुछ काम भी चला हुआ है। यहाँ लोग सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाकर पलों को यादगार बनाते हैं। धर्म चक्र है, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। ये पुराने मॉडल की स्टीम कार है जो उस टाइम पे वो यूज करते थे, तो इसको यहाँ शोपीस की तरह सजाया गया है। इस तरफ लाइब्रेरी और कुछ दुकानें हैं, जिन पर मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था तो मैं उस तरफ नहीं गई। वही सब सामान मिलता है और बौद्ध मॉनेस्ट्री से रिलेटेड आपको वहाँ सामान मिल जाएगा। ये एक पॉन्ड है यहाँ पर, जिस पर पानी भरा जा रहा है। अभी शाम को इसमें फुवारे चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और जल्दी ही वापस आ गए, तो उस टाइम पे यहाँ नहीं चल रहा था ऐसा कुछ। अब चलते हैं दूसरी जगह जहाँ पर बुद्ध का बड़े वाला स्टैचू है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी लग रही है। बारिश होने के बावजूद तेज़ नहीं है, बहुत हल्की हल्की दो दो चार चार बूंदें पड़ रही हैं। बिहार के गया में भगवान बुद्ध की कमल पर लेटे हुए आशीर्वाद मुद्रा में 85 फीट की प्रतिमा है, जबकि ये उससे भी ऊँची है। यहाँ भी बीच में एक ये छोटा सा गार्डन है, बट यहाँ बेंचेस नहीं हैं।
मठ के अंदर ये 103 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ऐसा कहते हैं कि इस प्रतिमा को गोल्डन कलर देने के लिए 50 कलाकारों को 3 साल का समय लगा था। गए तो हम किसी और रास्ते से थे, लेकिन जब इस रास्ते से हम आ रहे तो यहाँ पर हमें कुछ मनमोहक दृश्य दिखाई दिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। तो रास्ते में यहाँ एक झील पड़ती है जिसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। देखिए, रिक्शा में थे तो ज़्यादा रुके नहीं, इसलिए बस रिक्शा से चलते चलते ही हमने ये चित्र का जो है अवलोकन किया और आपको भी कराया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।